फटाफट से अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी एक रैपिड फायर तौर पर, और उसमें हम जानेंगे कुछ चीजें आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कुछ प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, और ऐसे लेसन जो कि आपके सभी व्यूअर्स हमें बिजनेस टुडे पर आपको सुनते हुए जान सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। ठीक है, मेरा पहला सवाल है, क्या आपकी पहली सैलरी क्या थी? मेरी पहली सैलरी, मैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में इंटर्न थी, तो मेरी पहली सैलरी इंटर्न के तौर पर। Okay. आपने अपने पहले पेचेक के साथ क्या खरीदा? पहली तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू के साथ मैंने एक बहुत एक्सपेंसिव हैंडबैग खरीदा। उसकी कहानी मैंने इस किताब में भी लिखी है किसी कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि मैं खुद के लिए ऐसा कुछ खरीद पाया। तो क्या वो हैंडबैग अभी भी आपके पास है? हाँ, इनफैक्ट मैंने उसकी पिक्चर ट्वीट की थी 2 दिन पहले। ओके, और उसके उसके पीछे की कहानी क्या है? उसके पीछे की कहानी ये है कि आई थिंक US में बहुत लोगों को हैंडबैग्स का शौक होता है, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। एंड आई थिंक मुझे किसी ने कहा आप वॉल स्ट्रीट पर काम कर रही हैं, तो मैंने जाके वो हैंडबैग खरीदा। एंड एज आई से इन द बुक, मेरे खानदान में इतने, हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जब उन्होंने उसकी कॉस्ट सुनी तो आई थिंक एक दिन में ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, हिंदुस्तान सबको पता चल गया कि लड़की ने जाके ये करा। आप इंडिया के वन ऑफ द टॉप मनी मैनेजर्स हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पैसे की, मनी की इम्पोर्टेंस आपके लाइफ में क्या है? बहुत इम्पोर्टेंस है। आई थिंक पैसा आपको काफी चीजें एनेबल करता है, लेकिन पैसा भी सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता, कोई कॉन्टेस्ट नहीं होता, पैसे से गोल्स, सपने पूरे होने चाहिए। ओके, अगर आपको चॉइस दी जाए कि आपके पास ज्यादा समय हो या ज्यादा पैसा, तो आप क्या चूज करेंगे? ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं समय इसलिए कहूंगी क्योंकि अगर समय है तो पैसा तो आ ही जाएगा। ओके, अगर आपको मौका दिया जाता कि आप एडलवाइस म्यूचुअल फंड की सीईओ ना होती, तो आज आप क्या होती? मैं लॉ पढ़ना चाहती थी, तो शायद मैं लॉयर होती। मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं आरबी भी बहुत अच्छा कर लेती हूँ। ओके, दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। आप एक बिजी डे के बाद कैसे अनवाइंड करते हैं? शायरी सुनती हूँ, कभी कभी पोएट्री लिख भी लेती हूँ, फिल्में देखती हूँ। ओके, आपके लिए ड्रीम इन्वेस्टमेंट क्या है? आई थिंक पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन। ओके, पैसे की बात आते हैं, तो आपका रोल मॉडल कौन है? आई थिंक मेरे फॉर्मर बॉस थे, AQR कैपिटल चलाते थे, नाम कम जाना माना एक क्लिप बिजनेस। अभी भी उनको अपने काम से बहुत प्यार है। वो कहते हैं कि मनी मैनेजमेंट इज द बेस्ट प्रोफेशन ऑन अर्थ, क्योंकि ये अकेला ऐसा काम है जिसमें आप रोज तो पैसे बनाते नहीं है, अगर रोज नहीं बनाते तो आपको कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा लगा जी, बिल्कुल। अगर आपको मौका दिया जाए कि आप बिटकॉइन में निवेश करें या स्टार्टअप में, तो आप कहाँ करेंगे? स्टार्टअप। ओके, अगर आपको एक क्वालिटी गिनानी हो जो आपके अंदर है, जो कि आपको लिमिटलेस बनाती है, तो वो क्या क्वालिटी होगी? मुझे डर नहीं लगता। ओके, आपके लिए अगर आपको कुछ लेसन देना हो मिलेनियल्स को, न्यू जनरेशन को, मनी के बारे में, पैसों के बारे में, तो आप क्या लेसन देंगे? आराम से काम करिए, कोई जल्दी नहीं। ओके, तीन की स्टेप्स बताइए जो कि हम जैसे लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने के लिए शुरुआत कर सकते हैं। जल्दी शुरू करिए निवेश करना, साधारण चीजों में निवेश करिए, और अपने गोल्स और अपनी प्रोफाइल के मुताबिक निवेश करिए, ना कि और लोग जो कर रहे हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया राधिका जी अपना समय हमें देने के लिए, और खास तौर पर अपनी बुक के बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और इस रैपिड फायर के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।